आज हम सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं। विज्ञान ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सबसे पहले विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। दूसरा, विज्ञान की विधियाँ तथा नियम सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा, विज्ञान कारण और परिणाम के संबंधों का विश्लेषण करता है। चौथा, विज्ञान में पूर्वानुमान अर्थात भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। उपर्युक्त सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसकी अनेक रीतियां हैं जिनका सभी विज्ञानों के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके अनेक सर्वव्यापी नियम हैं, जैसे प्रायिकता सिद्धांत, सांख्यिकीय नियमितता सिद्धांत, महांक जड़ता नियम आदि। संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा घटनाओं का वर्णन करना तथा उनसे कारण परिणाम संबंध का विवेचन करके समुचित निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी की मूलभूत क्रियाएं हैं। भूतकालीन तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर प्रभावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना भी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण रीति है। सांख्यिकीय रीतियों में निरंतर शोध कार्य तथा सुधार होता रहता है, अथवा निरंतर गतिशील है। इस प्रकार सांख्यिकी को एक विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों ने सांख्यिकी को एक विज्ञान न मानकर वैज्ञानिक विधि माना है। क्रोक्सटन व काउडेन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, वह एक वैज्ञानिक विधि है। वास्तव में सांख्यिकी भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की तरह का विज्ञान नहीं है, वह तो ज्ञान प्राप्त करने का एक अत्यंत उपयोगी साधन है जिसकी विधियां प्रत्येक विज्ञान के अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसा कि वॉलिस व रॉबर्टसन ने कहा है कि सांख्यिकी स्वतंत्र व मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है, वरन वह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। वह स्वयं अपने में एक लक्ष्य नहीं है, वह एक साधन है। सांख्यिकी केवल एक विज्ञान नहीं है, वरन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि भी है जिसका साधन के रूप में सभी विज्ञान प्रयोग करते हैं। टिपेट के अनुसार विज्ञान के रूप में सांख्यिकीय रीति सामान्य वैज्ञानिक रीति का एक भाग है और समान मौलिक धारणाओं एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है। वैज्ञानिक विधि के चार चरण होते हैं। पहला अवलोकन, दूसरा परिकल्पना, तीसरा
पूर्वानुमान, चौथा परीक्षण। इन चार चरणों में सांख्यिकीय विधियों व प्रक्रियाओं का पर्याप्त प्रयोग होता है। विज्ञान यदि ज्ञान है तो कला क्रिया है। कला के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। दूसरा, कला लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय भी बतलाती है, तथ्यों का वर्णन ही नहीं करती। तीसरा, कला की साधना में विशेष चतुराई, अनुभव तथा आत्म संयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सांख्यिकीय रीतियों और नियमों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। इन रीतियों का उचित प्रयोग करने के लिए विशेष योग्यता तथा आत्म संयम की आवश्यकता होती है, अन्यथा भ्रमात्मक और पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे सांख्यिकी में माध्यों के निर्धारण या सूचकांकों के निर्माण की विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि यह सीखा जाता है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवहार में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का उचित प्रयोग करने के लिए विशेष निपुणता एवं अनुभव अनिवार्य है। अतः सांख्यिकी कला भी है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही है। टिपेट के शब्दों में, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है। यह विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियां मौलिक रूप से व्यवस्थित है और उनका सर्वत्र प्रयोग होता है, और ये एक कला भी है क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिक की योग्यता व विशेष अनुभव तथा उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर होता है। अर्थात यही कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि सांख्यिकी एक कला भी है और विज्ञान भी है।